नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आज मैंने एक ऐसी आर्ट बनाई है जिसे हम मल्टीपर्पज तरीके से यूज कर सकते हैं। फ्लोर पर यूज कर सकते हैं, बॉल पर यूज कर सकते हैं, और तो और हम ट्रेवल में भी ले जा सकते हैं। कहीं हमारा बाहर प्रोग्राम है और वहाँ हमें डेकोरेशन करना है तो उस आर्ट को हम बहुत अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं। लाइट वेट है, बहुत सुंदर है और बहुत जल्दी बनने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और अगर मेरा वीडियो पसंद आता है, इसी तरह के आर्ट आप देखना पसंद करते हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। घर को डेकोर करने के लिए आज मैं कार्डबोर्ड से एक ऐसी आर्ट बना रही हूं जिसे मैं मल्टीपर्पज तरीके से यूज कर सकूं। तो यहां मैंने कार्डबोर्ड के ऊपर निशान लगाकर ये कुछ इस तरह से लंबी लंबी स्ट्रिप्स काट ली हैं, जिनके एक कोने को मैंने गोलाई में कट किया है। तो ये कार्डबोर्ड थोड़ा मेरा पतला है, इसे थिक करने के लिए मैं दो पीस ज्वाइंट कर रही हूँ। इससे यह थिक हो जाएगा, साथ में अच्छा भी लगेगा। और आज की आर्ट के लिए मुझे एक ये राउंड भी चाहिए, तो इसके भी मैंने दो पीस कट कर लिए हैं, दोनों को स्टिक कर लिया है और मास्किंग टेप लगाकर मैंने सारे एजेस को क्लीन कर दिया। तो इससे क्या है कि हमारी आर्ट सुंदर दिखती है और फिनिशिंग के साथ भी दिखती है। ये है मोल्डेड क्ले, और मोल्डेड क्ले को मैंने दो पीस निकलते हैं तो दोनों को मैंने बराबर लिया है और अच्छे से मिक्स कर लिया है। उसके बाद में आप देख सकते हैं कि इनका एक कलर हो गया और यही इसकी पहचान है। और इसकी भी मैंने लंबी लंबी डोरी बना ली हैं और इन डोरियों को मैंने जो पीस कट किए हैं उनके ऊपर इस तरह लगा दिया है। सभी पीस के ऊपर मैंने डोरियां लगा दी हैं और राउंड जो हमने कट किया है उसके ऊपर भी। तो जब हमारा मोल्डेड क्ले अच्छे से ड्राई हो गया तो हम करेंगे कलर। आज यहाँ मैंने तीन कलर एक साथ लिए हैं, ग्रीन, येलो और ये हल्का सा ग्रीन और ब्लू को मिक्स करता हुआ जो कलर है, येलो और ब्लू को मिक्स करके मैंने इस कलर को बनाया है। तो ये कलर बहुत अच्छा लग रहा है। तीनों ही कलर का मैंने शेड दिया है और इस तरीके से हम बहुत कलर का पिंक और वाइट का भी दे सकते हैं, रेड पिंक वाइट भी कर सकते हैं और जो भी आपको कलर अच्छा लगता है, जिस कलर की फैमिली में आप जाना चाहते हैं आपने अनुसार कर सकते हैं। मैंने मिड में जो किले की डोरी लगाई है, साथ में एक लीफ बनाई है, उसके ऊपर ब्लू कलर किया है और थोड़ा अलग दिखाना है, सुंदर भी लगना चाहिए, और बॉर्डर के ऊपर व्हाइट कलर किया है। तो ये हमारी सारी स्ट्रिप्स जो हमने काटी हैं जो डिजाइनर, वो हमारी तैयार हो गई। अब हमने राउंड पीस को तैयार किया। यहाँ भी मैंने मिलते जुलते कलर किए हैं, जो वहाँ दिए हैं वही कलर मैंने यहाँ किए हैं। और कलर करने के बाद अब लगाएंगे हम मिरर। तो मिरर अपनी पसंद से जो आपके पास है या जो यहाँ सेट हो रहे हैं वो हम लगा लेंगे। जैसे मैंने ये मिरर लगाए हैं और मिरर लगाने के बाद में ये सारी मेरी जो डिजाइनर स्ट्रिप्स हैं वो तैयार हो गई। और जब तक हमारे मिरर भी को भी हमें टाइम देना होता है ड्राई होने के लिए, क्योंकि जो ग्लू होता है वो थोड़ा टाइम लेता है सूखने में। तो जब तक ये ड्राई हो रहे हैं तब तक हम आगे का काम कर लेते हैं, क्योंकि अभी तक हमने जितने भी पीस तैयार किए हैं उसके बाद में भी एक और पीस है जो हमें तैयार करना है, और ये है नेक, यानी कि पिकॉक की नेक। और इसे भी मैंने दो पीस में कट किया है और इसके दोनों पीस को ज्वाइंट करने के बाद में बिल्कुल मास्किंग टेप लगाकर बिल्कुल उसी तरीके से तैयार कर लिया है जैसे कि हमने सारे पीस तैयार किए हैं। ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आजकल मैं देख रही हूँ कि कोई वीडियो भी नहीं देख रहा है, सब्सक्राइब भी नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों, क्या बात है। जब तक आप बोलोगे नहीं मुझे समझ नहीं आएगा। तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि आप वीडियो पसंद नहीं आ रहे हैं या फिर कोई और बात है। तो मैं उसी तरीके की वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि मैं वीडियो सिर्फ आपके लिए बनाती हूँ। अगर आपको ही पसंद नहीं आएंगे तो मेरा वीडियो बनाना बेकार है। प्लीज कमेंट करके बताइएगा। कलर भी यहाँ पे मिलता जुलता दे दिया है, क्योंकि सारे कलर एक जैसे मिलते जुलते करेंगे तो अच्छा लगेगा, और अगर अलग डिफरेंट देना चाहते हैं कोई पार्ट को तो आप दे सकते हैं। तो कलर करने के बाद में मैंने नेक को भी मिरर और डॉट लगाकर कंप्लीट किया है। थोड़ी सी डॉट भी लगा दी है जो कि सुंदर दिख रही है।
सारे पार्ट तैयार होने के बाद ये देखिए कुछ इस तरीके से दिख रहे हैं। सारे पार्ट को जब मैं अलग अलग दिखा रही हूँ तो आप देख सकते हैं सारे बहुत सुंदर लग रहे हैं। सभी पीस को अब हम अरेंज करके देख लेते हैं और ये देखिए हमारी ब्यूटीफुल पिकॉक बनकर तैयार है। इसे मैं कोलाज पिकॉक बोलूंगी क्योंकि बहुत सारे पीस अरेंज करके हमने बनाई है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि इसे हम बॉल पर भी लगा सकते हैं और फ्लोर पर भी लगा सकते हैं। अगर आप बॉल पर लगाना चाहते हैं तो आप इसके अंदर डबल टैप जो होता है उससे लगा सकते हैं और जमीन पर आप इसी तरीके से अरेंज करके रख सकते हैं रंगोली की तरह। चलिए इसका फाइनल लुक देखते हैं कैसा लग रहा है। तो भाई मुझे तो बहुत अच्छी लगी ये पिकॉक और सबसे अच्छी बात है लाइट वेट है, हम कहीं भी लगा सकते हैं, कभी भी उठा के रख सकते हैं। और इस तरह का वीडियो अगर आपको पसंद है तो मैं आगे और भी चीजें लेकर आऊंगी। प्लीज पर मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा।